मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का नहीं है, बस किसी का पोस्टर था उसको देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है सुना है मेरे दिल को छू गया है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ। एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की ज़िंदगी जीता नहीं है, बस पैसा 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 कमाता है, जोड़ता है, कहता है कि परिवार के लिए जोड़ रहा हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूँ, दुख के वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ, काम करता रहा, पैसा जोड़ता रहा, करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा था, किसी ने उसका कम्बल उठाया और उसने अपनी आँख खोला तो देखा सामने यमराज जी खड़े हैं। तो सेठ बोला, यमराज जी कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यमराज जी बोले उसको, भैया मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। तो अचानक वो बिस्तर से उछलकर बैठ गया। क्या बोले आप? बोले मैं आपको लेने आया हूँ, आपका वक्त ख़त्म हो गया है, आपको अब इस दुनिया से जाना है, आपका अंतिम समय आ गया है। तो सेठ घबरा गया कि बोले, यमराज जी मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे एक दिन और जीने का वक्त चाहिए। यमराज जी ने बोला, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, आपका जाने का वक्त हो गया है। वो सेठ बोला, मैं आपको 20 करोड़ देता हूँ, शाम तक मुझे जीने का वक्त दे दो। यमराज जी बोले, क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो, आपका वक्त आ गया है। सेठ बोला, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे एक घंटा जीने की मोहलत दे दो। यमराज जी बोले, नहीं, मेरी सारी धन दौलत ले लो, मुझे 1 घंटा 1 आवर दे दो। यमराज जी बोले, नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें जाना है। सेठ की आंखें गीली हो गईं। बोले, ठीक है, मेरी आखिरी दरखास्त है, एक खत लिखने का वक्त दे दो। यमराज जी थोड़े इमोशनल हो गए, बोले, ठीक है, जल्दी लिखो, चलो मेरे साथ। सेठ ने खत में लिखा, ये मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी जिंदगी धन दौलत की मारी मारी में लगे रहते हैं, अच्छा वक्त जीते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि अपना वक्त परिवार को देना है, भाइयों को देना है, बहनों को देना है, दोस्तों को देना है। और जब आखिरी वक्त आता है, जितनी भी दौलत है, जितना भी धन हमने पूरी ज़िंदगी में जमा किया है, वो धरी की धरी रह जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी, करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, हम एक सांस खरीद भी नहीं सकते, एक सांस भी नहीं खरीद सकते, वो दौलत धरित की धरी रह जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जीवित हो, जियो, खुशी से जियो, अपनी ज़िंदगी जियो, परिवार की साथ वक्त निभाओ, दोस्तों के साथ अच्छे कर्म करो, सिर्फ धन दौलत और माया के लोभ में मत पड़े रहो, क्योंकि कल हो ना हो, कल हो ना हो, कल हो ना हो।